सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2025 यानी कि 2025 के बारे में। बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब तक आएगा एंड एग्जामिनेशन कब कराया जाएगा, फॉर्म भरने की फीस कितनी होती है, फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यानी कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, एज कितनी होना ज़रूरी है, क्या इसमें बॉयज अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या रहती है, हर एक चीज़ पर बात करने वाले हैं। सो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्स के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, मतलब कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जब फॉर्म आता है तो क्या प्रोसेस रहता है। देखिए एम्स बीएससी नर्सिंग का जब फॉर्म भरते हैं ठीक है, उसमें पहला प्रोसेस होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है और ये जब एक्सेप्ट हो जाता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होने के बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोड जनरेशन का काम करना होता है, कोड जनरेट करना होता है। उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करनी होती है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं सिटी को। फिर उसके बाद आपको फी पेमेंट करना होता है, मतलब कि फीस पे करनी होती है ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एडमिट कार्ड, और जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है एग्जामिनेशन डेट को ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पर जा करके आपको एग्ज़ामिनेशन को देना होता है ठीक है। तो ये रहता है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की फ़ीस के बारे में। ये कौन सी फीस है, फॉर्म की फ़ीस। एम्स बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कराया जाता है तो उसकी जो फ़ीस लगती है कितनी होती है, आइए बात करते हैं ठीक है। तो देखिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यानी कि अनरिजर्व यानी कि यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको 2000 रुपये की जो फ़ीस है ये पे करनी होगी। इसके अलावा ट्रांजेक्शन चार्जेस जो हैं वो भी लगते हैं। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 2000 रुपये फीस है। एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं देन आपके लिए फ़ीस है 1600 रुपये। और पीडब्ल्यूबीडी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं देन आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, नील मतलब कि जीरो। इस फीस को आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए पे कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है उसको भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको भरने के लिए ज़रूरी है कि आप इंडियन सिटीज़न हो यानी कि भारतीय नागरिक हो। इसके अलावा आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। कब तक, 31 दिसंबर तक। देखिए आप जिस ईयर फॉर्म भर रहे होते हैं उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है यानी कि 17 ईयर्स हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 17 से कम हो रही है तो अप्लाई नहीं कर सकते। 17 वर्ष हो रही है या फिर 17 से ज़्यादा हो रही है ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है ठीक है। तो 17 वर्ष या फिर 17 से ज़्यादा एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए 10+2 यानी कि 12वीं अगर आपने पास की है, इंटर आपने पास किया या फिर आप इंटर के समकक्ष परीक्षा पास किए हैं, मतलब कि 12th के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किए हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने ज़रूरी है ठीक है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी ये 4 विषय तो होने ज़रूरी हैं। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए आइए बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं देन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश इन 4 विषयों के मार्क्स मिला करके कम से कम आपके 55% यानी कि 55% होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और अंग्रेजी इन 4 विषयों के मार्क्स मिला दें तो कम से कम 55% होने चाहिए। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं देन इन 4 विषयों के मार्क्स मिला करके कम से कम 50% हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के बारे में। तो फॉर्म जो है ये आपका मार्च 2025 में आ जाएगा, मार्च के महीने में फॉर्म भरा जाता है। 2024 में भी मार्च के महीने में आया था ठीक है, तो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म 2025 में। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो एम्स के द्वारा जो एग्ज़ामिनेशन का डेट है, एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। उसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये आपका 1 जून 2025 को कराया जाएगा, यानी कि 1 जून 2025 को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का ठीक है। संडे के दिन आपका एग्ज़ामिनेशन होना। चलिए अब बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की सीट्स के बारे में, कितनी सीट्स हैं। देखिए यहाँ पर आपके मन में सवाल ये होगा कि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ठीक है, इसमें लड़के अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली।
तो एम्स में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है जो कि 4 साल का होता है, ठीक है, ये केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, केवल महिला उम्मीदवारों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, केवल गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं है। मतलब कि बॉयज एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एम्स में जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स है उसके लिए बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, बट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए केवल महिला उम्मीदवार यानी कि केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है। कितनी सीटें हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एम्स दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवगढ़, इसके अलावा गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी। तो ये जो एम्स हैं इनमें कितनी सीटें हैं टोटल, यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हैं, टोटल सीट्स हैं 1231, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये सीट्स का विवरण है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चले अब बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मतलब कि एम्स बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या आपको करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो मेरिट रहता है उसके बेस पर सिलेक्शन होता है। तो एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें आपका जैसा स्कोर रहेगा उसी के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा एम्स के विभिन्न कॉलेजों में। तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, ये आप हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा में दे सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो पेपर आप या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के जितने प्रमुख शहर हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर है वो होता है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक जो कोर्स है, मतलब कि जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स है इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो दिल्ली एनसीआर जो सेंटर है वहीं पर होता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम मोड क्या रहता है। तो 2024 का ये आप देख पा रहे होंगे प्रॉस्पेक्टस से हमने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम ओनली ऑनलाइन मोड। तो एग्ज़ामिनेशन जो है ये केवल ऑनलाइन मोड में कराया जाता है। कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होते हैं यानी कि MCQs देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, एक पेपर होता है 2 घंटे का, ठीक है। 2 आवर्स आपको दिए जाते हैं पेपर को हल करने के लिए। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं। किन किन विषयों से होते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और GK, इन 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री से 30, बायोलॉजी से 30 और GK से 10 क्वेश्चन। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में होते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। देखिए अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको माइनस का 1/3 मिलेगा। तो यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें और उस हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 50% मार्क्स लाएं। तो अगर आप UR या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो कम से कम 50% लाने होंगे। OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 45% और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 40%, मतलब कि कम से कम इतने लाने होंगे तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ज़रूर ले जाने हैं। एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा इसको भी आपको संभाल के रखना है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको ओरिजिनल ले जाना है, साथ में उनका फोटोकॉपी भी सेट बना करके ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। फीस की बात कर लेते हैं, तो बीएससी नर्सिंग की जो फीस है वो 600 रुपये है 4 साल की। देखिए ट्यूशन फीस 600 रुपये है 4 साल की, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉट मनी है वो 960 रुपये 4 साल के लिए। इसके अलावा हॉस्टल रेंट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 480 रुपये 4 साल का है, 480, ठीक है। और कासन मनी 100 रुपये और हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपये जो कि रिफंडेबल है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें जिससे आपको वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।